मई 10 तारीख को सारा ऑल अरुणाचल प्रदेश को हम लोग 3 दिन के लिए हम लोग बंद किया जा रहा है, यानी कि बंद कॉल हम लोग किया जाएगा। हमारा बंद कॉल करने का मकसद जो है किसी प्रॉपर्टी लॉस करने के लिए नहीं है, किसी को पैदा पहुंचाने के लिए नहीं है, किसी पॉलिटिकल का एनवायरमेंट में हम लोग नहीं। बस हमारा मकसद है इस अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन को रिफॉर्मेशन लाना है हम लोगों को, इसलिए कॉन्सेंट हम लोग ध्यान दिया गया है। इस 10 तारीख में अंदर में सारा अरुणाचल प्रदेश के जितने हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए जो सोचता है वो कृपया करके जिसका पास अफोर्डेबल है वो कैपिटल में आइए। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और सारा ऑल अरुणाचल बंद कॉल रहेगा। हो गया, शुरू करें। ओके, नमस्कार। हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश में जितने जो आज मिदा प्रतिनिधि बहुत ही कुश कब्री भी है और बहुत दुखद जनक वाला भी बात है। क्या करें, हमें बहुत दिनों से ये परे हुए थे, तो इसलिए आज अंत में जाके मैं इस आप लोग जितना जो मीडिया चैनल का माध्यम से मैं सारा अरुणाचल प्रदेश को मैं अपील करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। हमारा नंबर वन, हमने 18 अप्रैल 2023 में हम लोग ने टीम सोल दोदुम, टीम ताना तमर तारा एंड टीम अरुणाचल नारी शक्ति एंड टीम प्रो दे मोमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश माई सेल्फ ताओ पोल, तो हम लोग ने मेमोरेंडम 5 दिन का समय सरकार को दिया गया था एफपीएससी प्यास्को को लेकर, जो नाबम ये करने का जिक्र किया गया था हम लोग ने, आज तक सरकार जो हम लोग को कोई वापस कवर नहीं दिया गया है उसके ऊपर में आज हम आप लोग का चैनल का माध्यम से मैं सारा अरुणाचल को बता दूं कि ये सरकार जो है आज के डेट में बहुत दुख की बात है कि हमारा स्टेट का हीरो ग्यामर पादंग जी नहीं मरने से पहले सरकार ये इशू को रिजॉल्व किया जा सकता था। तो हमें बहुत दुख है आज ग्यामर पादंग के चलते। मैं उसका फैमिली को भी मैं यही बताना चाहूँगा कि उस समय में बहुत दुख की घड़ी है आपके लिए, बट एनी वे जो भी होगा अब बहुत दुख है, हम समझ सकता है, सारा अरुणाचल आम जनता समझ सकता है कि आपका ग्यामर पादंग वो अरुणाचल को एक ऐतिहासिक रचा के गया है, वो बहुत बड़ा गर्व की बात है। तो उस मेहनत को, उस सपना को हम टीम सोल दोदुम एंड टीम अरुणाचल नारी शक्ति टीम तना तमर एंड माई सेल्फ ताओ पोल, हम लोग उस सपना को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उसके चलते उस ग्यामर पादंग का जो सपना है हमारा अरुणाचल का हीरो, उस सपना को हम लोग कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। जो सपना है वो हम लोग बिल्कुल अरुणाचल में इतिहास रचाएंगे। तो मैं आज आप लोग चैनल का माध्यम से मैं सारा अरुणाचल को बता दूं जो ग्यामर पादंग का सपना है, हमने 17 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक हम लोग ने बंद कॉल किया था, तो उसके चलते सरकार ने एश्योर किया था कि चार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट को वो लोग रिजोल्व कर देगा, इसमें भी जोता वादा हो गया। तो उस जो आज हमारा बीच से ग्यामर पादंग गुजर गए हैं, ये बहुत अरुणाचल के आम जनता लोग को सेंटिमेंट हर्ट किया। तो इसलिए हम लोग मई 10 तारीख को सारा ऑल अरुणाचल प्रदेश को हम लोग 3 दिन के लिए हम लोग बंद किया जा रहा है, यानी कि बंद कॉल हम लोग किया जाएगा। हमारा बंद कॉल करने का मकसद जो है किसी प्रॉपर्टी लॉस करने के लिए नहीं है, किसी को पैदा पहुंचाने के लिए नहीं है, किसी पॉलिटिकल का एनवायरमेंट में हम लोग नहीं। बस हमारा मकसद है इस अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन को रिफॉर्मेशन लाना है हम लोगों को, इसलिए कॉन्सेंट हम लोग ध्यान दिया गया है। इस 10 तारीख में अंदर में सारा अरुणाचल प्रदेश के जितने हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए जो सोचता है वो कृपया करके जिसका पास अफोर्डेबल है वो कैपिटल में आइए। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और सारा ऑल अरुणाचल बंद कॉल रहेगा। तो ये बंद कॉल को स्पेशली हम लोग ने टीम ने निर्णय लिया है
उस बंद कॉल को सोल दो दुम, सोशल एक्टिविस्ट सोल दो दुम लीड किया जाएगा। तो हम लोग उसका ऊपर में भरोसा है, वो कभी सरकार के साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे। हमें पूरा उम्मीद, जो मुहिम है इस जो बंद कॉल 3 दिन का बंद कॉल को इस पर है सोल दो दम किया जाएगा। एंड मैं सारा अरुणाचल प्रदेश को मैं यही अपील करूंगा, जो सीबीओ से, जो एनजीओ से, जो सोसाइटी है, पास्टर पास्टरेस लोग भी, मैं सारा अरुणाचल के जितना धर्म लोगों को भी मैं यही अपील करूंगा कि अरुणाचल प्रदेश को शांति पूर्वक से हमें दिशा में ले जाने के लिए आप लोगों का भी योगदान चाहे, आपका प्रेस सपोर्ट का भी योगदान चाहे, दोनी पोलो लोग का भी, जो पस्तर पस्तरे लोग से भी मैं अपील करूंगा कि उस मुहिम को हम किसी का ऊपर में दोषी नहीं तिराते हुए हम लोग सब मिलके उस ग्यामर पादंग का जो सपना को हम लोग पूरा करें, ये हमारा मानना है। तो इसलिए मैं सारा अरुणाचल प्रदेश के कॉलोनी कॉलोनी के लीडर लोग को भी मैं यही अपील करूंगा कि आप हमारा साथ जोड़िए। हमारा मकसद है अरुणाचल एपीएससी जो फैसको को हम लोग बहुत ही जल्द रिजोल्व करना चाहता है, और हमारा सरकार जो बीजेपी सरकार प्रदेश में लीडरशिप ऑफ श्रीमान पेमा खांडू जी एंड हमारा नेशनल के लीडर फिगर श्रीमान किरण रिजिजू से भी मैं यही अपील करूंगा कि आप इस 10 तारीख के अंदर में जल्द से जल्द अगर कर सकता है तो उस इश्यू को आप रिजोल्व कर दीजिए, ये मैं अपील करूंगा, ताकि हमारा स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, ये हमारा मानना है। मैंने डे वन से क्लियरली क्लियरली कट कहा है, यहाँ अरुणाचल में बहुत कंस्पेरी हमको किया जा रहा है, यहाँ कोई एपीएससी प्यासकों को आवाज उतारने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए इस बार अंत में पैनल में हम लोग 10 तारीख को बंद कॉल रखा गया है, ताकि सारा अरुणाचल प्रदेश के लोग, पॉलिटिकल का पार्टी, विपक्ष पार्टी लोग भी आके हमारा मुहिम में जुड़ के, सब अरुणाचल के मुहिम में जुड़ के हम सब एक कथा होकर मिलकर इस को हम लोग जल्द से जल्द खत्म करें, ताकि हमारा बेटा बेटी लोग भी पढ़ाई करें, हमारा भाई बहन भी पढ़ाई करें, ताकि उस एपीएससी प्यासकों में हम लोग तैयार। यही है अरुणाचल प्रदेश को मैं अपील कर रहा हूँ बार बार, जो ग्यामर पादंग का फैमिली को, मैं तो यही समझता हूँ ग्यामर पादंग को जो सपना देखा है ग्यामर पादंग जी ने, जो हीरो अरुणाचल प्रदेश का ने, आज का डेट में हमारा बीच से चले गए, बट उसका जो सपना है, जो चार्टर ऑफ द मंथ 13 पॉइंट अगर पूरा होगा, उसका फैमिली को भी शांति मिलेगा। यही है हमारा अरुणाचल प्रदेश को अपील है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। सर, ये जैसे कि आपका 10 तारीख से पहले सरकार आपको बुलाएगा तो आप लोग जाएगा? सरकार मीटिंग बुलाता है तो मैं डे वन से क्लियर कट कहा है कि मैं मीटिंग पर नहीं जाएंगे। हमारा तरफ से एक मैसेंजर रखा जाएगा कि हमारा पक्ष को सरकार का ऊपर में पहुंचाया जाए। वो सरकार का ऊपर में जाएंगे जो चार्टर ऑफ द मंथ 13 पॉइंट को लेकर अगर हाँ ये सच में कर सकता है तो वो सब आम जनता का सामने में हम लोग बताया जाएगा। इसमें कोई मैनिपुलेट करने के लिए कोशिश हम लोग करने नहीं देंगे। जो पिछले बार जो हम लोग बंद कॉल किया था, इसमें सरकार जो हम लोग का ऊपर में काफ़ी मैनू, और दोबारा हम लोग मौका नहीं देंगे। और इसमें काफ़ी हमारा साथ में जो सोल दोदुम जी है, टीम नारी शक्ति एंड तना तमर जी, और कोई आपका वेल वैसर लोग हमारा साथ में जुड़े हुए हैं, उन लोग ने भी हम लोग निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग सरकार बुलाने पर मीटिंग नहीं जाएंगे। वो सरकार हम लोग को बिना बुलाए बगैर भी ये इशू को रिजोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इश्योर करके रखा है। यही हमारा अपील। बोल जी, अभी इसका जो एपीपीएससी का जो इशू है, ऑलरेडी पीएजेसी जो उन लोग तो उठा, भी आप लोग का साथ है? नहीं, मैं जो पान अरुणाचल जेंट स्टेयरिंग कमेटी को भी, इसमें थोड़ा सा आम आदमी जो है उलझन है, काफ़ी यूट्यूबर लोग का, ब्लॉगर्स पार्टी लोग भी क्या क्या अनप शनप हमारा सोशल मीडिया में हमको देखने को मिलते हैं। तो मैं उसको यही अपील करूंगा, 5 जन स्टेयरिंग कमेटी को भी आप अपना इशू मत बोलिए कि उसको हम लोग सब मिलके लड़े। और मैं सारा अरुणाचल के संगठन को भी अपील करूंगा, अगर उस इशू में आप जोड़ नहीं सकता है, आप अपना पर्सनल इंडिविजुअल इशू बनाता है, तो अरुणाचल में आपका संगठन को चलाने के लिए हम आई थिंक हम लोग उसको कभी नहीं मानेंगे, कि उसको सारा अरुणाचल उसको बायकॉट कर देना चाहिए। ये इशू जो है
हमारा आने वाला पीढ़ी और आज का जो इतिहास जो प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है उसका ऊपर में, यहाँ से ही हमारा अरुणाचल जो शुरू होता है एपीएससी से। इसलिए मैं यही कहूँगा, यहाँ में पांचजन स्टेयरिंग कमिटी भी अभी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में रैली कर रहा है, ऐसा बात नहीं, हम लोग भी सपोर्ट है। तो ये आपका ही इशू है जो हम लोग मुद्दा उतारा है, जो इशू उतारा है वो आपका ही है पांचजन स्टेयरिंग कमिटी का, जो एस्पेरेंट लोग का यही आपका ही इशू है। इसलिए हम लोग एक दूसरे को दोषी ना तिराते हुए हम लोग सब मिलकर 10 तारीख में ही हम लोग पाइट करके 2-3 दिन में हम लोग खत्म करें, यही मेरा अपील है। आप अभी बोल रहा था कि ये इशू को जो है सोल्व दो दम लीड कर रहा है, तो अभी सोल्व दो दम क्यों नहीं आएंगे? हम आपको एश्योर कर रहा है कल सोल्व दो दम भी मीडिया में आएंगे, जरूर आएंगे उसका तरफ से भी। और हम लोग एक टीम है, तो टीम का तरफ से हम लोग आज अनाउंस कर रहा है कि ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि आज ग्यामर पादंग भी हमारा बीच से चले गए, उसका उधर में जो थोड़ा सा ये आपका ग्यामर पादंग का उधर में सोल्ड ओदुम भी बिजी हो गया है। तो इसलिए ये हम लोग एक ही टीम है, जो हम बात कर रहा है सोल्ड ओदुम ही बात कर रहा है, हम जो बात कर रहा है नारी शक्ति बात कर रहा है, जो हम बात कर रहा है वो तना तमर है, जो हम लोग 5-6 लोग ऑर्गेनाइजेशन जब बात कर रहा है तो ये सारा अरुणाचल का आवाज़ है, सारा अरुणाचल आम जनता का आवाज़ है, हमारा जो आवाज़ है, हमारा जो बंद कॉल डिक्लेयर करने का कारण, ये सारा अरुणाचल का समाज का आवाज़ है, यही है। सर अब रिसेंटली जो अलो में जो रैली किया गया था और जीरो में भी किया था, नारी शक्ति नहीं आया, आपने नहीं आया, सोल दो दो नहीं आया, तना तमर नहीं आया, तो क्या पार्टी जो दो दो ग्रुप में बन गया क्या अभी का समय है? नहीं, ये बिल्कुल ये बहुत ही दुख की सवाल है। मैं सारा अरुणाचल प्रदेश को मैं यही अपील करूँगा, उसको बिल्कुल आप लोग दिल में ना लें कि ये एक एक सवाल जो है सेंटीमेंट क्रिएट कर देता है। बट हम लोग का कुछ कम्युनिकेशन यानी कि अपना फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण से हमने आलो में रैली जोड़ नहीं पाया, तो जीरो में भी एक्चुअली हम जाने का बात था, तो मैंने रिसेंटली दिल्ली निकल गया इसलिए मैंने जोड़ नहीं पाया है, तो इसलिए। लेकिन जोड़ नहीं पाने से भी हमारा बदली में तो किसी और ने तो जोड़ा है, तो लेकिन हम अप्रिशिएट करता है कि उस प्रकार से आप लोग रैली को कंटिन्यू करना है, अभी भी 10 दिन का अंदर में भी आप लोग रैली करिए। मैं आई पर्सनली ताऊ पोल भी सपोर्ट, सोल दो तुम भी क्यों सपोर्ट नहीं करेगा, सपोर्ट है। तो 10 दिन का अंदर में आप ये 10 तारीख का अंदर में और रैली करिए, हाँ, पब्लिक को जगाने के लिए। हम नहीं कर रहा है, हम लोग एक ही टीम है, एक ही एपीएससी पास को ही हम लोग रिजॉल्व करना चाहते हैं, यही है।